उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में शहर कोतवाल योगेश शर्मा और चौकी इंचार्ज प्रवेश शर्मा रोहाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का इशारा किया, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसी दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा समेत कारतूस बरामद किया। इसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की माने तो घायल बदमाश पर चोरी डकैती समेत गैंगस्टर एक्ट के करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं। इस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस है रोहना चौक इंचार्ज अपने टीम के साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराते हुए और जो चेकिंग कर रहे थे, जो रोहना से छपार के लिए रोड गया है, उससे एक मोटरसाइकिल से दो युवक तेजी से आ रहे थे। जैसे ही पुलिस ने उनको हाथ दिया तो उनको लगा के पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, और वो जैसे ही उन्होंने मुड़े पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा उन्होंने फायर किया। पुलिस ने जो अपनी जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम गुलबहार है, जो कि हमारे जनपद का रहने वाला है, मूल रूप से थाना भोपा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर दर्जनों मुकदमे हैं और ये हमारे कोतवाली से ही जो इसकी गैंगस्टर की जो उसमें गैंगस्टर में वांछित भी था और एक 307 के मुकदमे में वांछित था और 25,000 का इस पर इनाम भी था। उसको अभी गिरफ्तार किया है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है, और जो उसका दूसरा साथी था वो अभी गन्ने के खेत का फायदा उठा के यहाँ से भागा है, जिसकी हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, और अन्य जगह से भी कहाँ कहाँ से वांटेड है, इस पर कहाँ कहाँ से इनाम है, उसकी भी हम लोग जानकारी। हथियार क्या मिला इसके पास से? एक तमंचा है, दो जिंदा कारतूस हैं, एक जो इसने फायर किया वो कारतूस जो नाल में है वो है, दो खोखे हैं, एक बाइक बरामद हुई है, ये इसके पास से बरामद हुई है।